आप में से कई सारे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कई सारे एक्टर बनना चाहते हैं, सभी को ऑडिशन की जानकारी चाहिए होती है और ऑडिशन की जानकारी आप निकाल भी लेते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि ऑडिशन देने से क्या सच में काम मिलता है, या ये ऑडिशन असली है या नकली है, इसमें पैसे लगेंगे, ये सब कुछ जो सवाल आपके मन में चलता है, मेरे मन में भी सवाल वही आता है। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने अभी एक जो है प्रोडक्शन हाउस का लिंक आप लोगों को दिया था। जी हाँ दोस्तों, सरप्राइज फिल्म्स ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उन्होंने बताया मुझे कि आपने लिंक हम जो है ऑडिशन का शेयर किया और हमने लड़की और लड़कियों को चुन लिया और उस पे एल्बम की शूटिंग भी चालू हो गई। जैसे ही मुझे ये खबर मिली मैं भी थोड़ा खुश हो गया कि चलो पहली बार मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया, जो ऑडिशन की जानकारी दी और सच पे उस पे शूटिंग होने वाली है। तो इसी के लिए मैं उस शूटिंग लोकेशन पे पहुंचा, हालांकि कैसे पहुंचा इसकी वीडियो बन चुकी है, लेकिन शूटिंग के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। तो अब आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार शूटिंग कहां हुई इस प्रोडक्शन की और वो कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सरप्राइज फिल्म्स के बारे में, जिन्होंने म्यूजिक एल्बम की शूटिंग की, हालांकि वो रिलीज भी कर दी है, मैं आपको बताता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लेना। तो चलिए यहां से चलते हैं अलीबाग और वहां पे देखते हैं उस म्यूजिक एल्बम की शूटिंग और करते हैं उनके आर्टिस्ट से खास बातचीत। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, तभी आपको सरप्राइज फिल्म्स के बारे में मालूम पड़ेगा। हालांकि एक बार और बता दूं कि ये दूसरा एल्बम भी बनाने जा रही है लखनऊ में, तो इसका भी ऑडिशन लिंक मैंने दिया है, तो अगर आप जा सकते हैं तो जल्दी से जाइए, ऑडिशन दीजिए। फिलहाल आज की वीडियो में उनकी शूटिंग दिखाता हूं और चलता हूं, उनका गाना भी आपको सुनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामायण और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। चलिए भाई लोग, आपको खुलासा कर ही देता हूं कि आखिरकार मैं यहां पे क्यों आया था। जैसे कि आपने अगले इसके पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि मैं अंधेरी से अलीबाग का सफ़र तय किया हूँ और ये जगह तो बाहर काफ़ी खूबसूरत है, आप देख ही रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो मैं किस लिए आया हूँ आपको बता दूँ कि एक म्यूज़िक एल्बम की जो है ना वो शूटिंग हो रही है यहाँ पर इस लोकेशन पर, तो वो मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। अभी आपको दिखाऊँ कि हमारे जितने क्रू मेम्बर हैं वो यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं और उनसे आपको मिलवाता हूँ और किस हिसाब से शूट हो रहा है यहाँ पर वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है डांस मास्टर जो उनको स्टेप सिखा रहे हैं। भाई एक पार्ट शूट हो चुका है और भी हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं आगे भी शूट करने का। तो बहुत ही अच्छा प्यारा लोकेशन लगे, शाम के समय जो है सूरज ढल चुका है। भाई थक गया हूँ मैं खुद यहाँ आने के लिए शूटिंग देखने के लिए, और आप लोग आए और यहाँ काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, एक्चुअली सब कुछ न्यू है तो एक्साइटेड भी है और न्यू प्रोजेक्ट है तो और अच्छा लग रहा है। भाई ये कन्फ्यूजन हो गया, भाई क्या आप क्या बोल रहे, कौन है ये और ये भाई साहब कौन है? तो ये नाम पूछ रहे हैं, मतलब भैया एक्टर हैं ये लोग, नाम बता दीजिए इनको, ये बड़े मोबाइल लेके वीडियो देख रहे हैं ना आपका। तो मेरा नाम कंचन दुबे है और मैं ये एक सॉन्ग शूट कर रही हूँ इनके साथ, तो बस। हाय, आई एम अमित शर्मा, निकनेम रे पार्कर जी। तो ये भाई इसके कुछ वीडियोज हैं शूटिंग की, वो आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए कि किस तो भाई आपको बता दूं कि सरप्राइज फिल्म्स ने
इनका वीडियो शूट किया है और इसकी ऑडिशन की लिंक हमने जो है हमारे ही चैनल पे हमने बताई थी। और मुझे उस समय बहुत डर लग रहा था जब मुझे सरप्राइज फिल्म्स वालों ने कहा कि आप हमारे अपने हमारे चैनल पर ये ऑडिशन का लिंक डाल दो, क्योंकि ऐसे अनुमान ज़्यादा होता है कि जब हम मैं लिंक डालता बहुत कम हूँ, बट मुझे डर लग रहा था यार इस लिंक से कहीं फेक ऑडिशन ना हो जाए। करेक्ट, तो इस बात का मैं बहुत डर था। लेकिन आखिरकार मुझे एक दिन फ़ोन आता है कि ऑडिशन हो चुके हैं और हमारा एल्बम का शूट होने वाला है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि यार मैंने एक लिंक मैंने दिया था और उस पर ऑडिशन हो रहे हैं, शूट हो रहा है। तो आप लोग कैसे इसमें ज्वाइन हुए, कैसे पता चला कि आपको इसमें भाग लेना है? ऑडिशन डिटेल जैसा आपने बताया मिला, फिर हम ऑडिशंस के लिए गए, फिर वहाँ से सिलेक्ट हुए, फिर 2-3 मीटिंग्स हुई। लॉन्ग प्रोसेस था बट हो गया। आपको कैसे पता चला? वही ऑडिशन डिटेल्स, उसके बाद में प्रोफाइल शेयरिंग हुई। हाँ। फिर एक्चुअली ऑडिशन से पहले मैंने अपने आउटफिट्स की भी वीडियो बना के भेजी। अच्छा, आपने वीडियो बना के भेजी थी? हाँ। उसके बाद में फिर ऑडिशन दिया, मिले, उसके बाद में। अच्छा, फाइनली सामने कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से, भाई हरियाणा वाले देख लीजिए, आपका जो है छोरा यहाँ पहुँच चुका है। और आज जो है ये सॉन्ग कैसा लगा आपको? ये जो है सॉन्ग बहुत मजा आ रहा है और पक्का है कि व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा। चलिए ठीक है भाई, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस कंपनी के बारे में जरा बताएंगे। जो है प्रोड्यूसर जो है पिंकी मोरिया जी हैं और DOP हैं यहाँ के सुरेश जी, और क्या कहेंगे टीम के बारे में आप? मज़ा आ रहा है काम करके और सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यू है तो हमें कुछ पता नहीं होता है, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप भी हमारी जो टीम है, DOP हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं और साथ में हमारे को प्रोड्यूसर हैं मेवालाल जी, पिंकी जी और सुदेश जी हमारे DOP हैं, सारे हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी। और साथ में हमारे मेकअप टीम जो है वो भी, किशोर भाई भी मेकअप के हैं। हाँ, बराबर। और साथ में हमारे मेकअप में सॉरी कैमरामैन है। हाँ। ये सारे लोग, मतलब ये है कि जो सरप्राइज फिल्म्स है ये आपको काम तो करा ही रही है, काम तो दे रही है आपको जान पहचान, आगे आपका एल्बम भी रिलीज करेगी। साथ सरप्राइज फिल्म्स ने जो एक वादा किया था कि हम लोग जो है म्यूजिक एल्बम बनाएंगे और जो अच्छे टैलेंटेड जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको एक मौका देंगे। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने कई सारे ऐसे ऑडिशन देखे हैं, कई सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस देखे हैं जिन्होंने वादा तो करते हैं बट वो जो है ना शुरू नहीं कर पाते, शूटिंग उनकी डेट पे डेट पीछे घसकते जाती है। बट आप लोगों का शूट करना, और मैं खुद यहाँ पे आके देखा मैंने कि भाई आप लोग शूट कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं जो मेहनत रंग लाती है, क्योंकि शूट करना इतना आसान नहीं होता। तो अब आपका विचार क्या है, आपकी जो कंपनी है सरप्राइज फिल्म्स, वो क्या करने वाली, मैं वो जानना चाहता हूँ। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा ये जो पहला सॉन्ग है, हाँ, ये अपना हम लोग चाह रहे, बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का जी। यानी एक एक इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसके बाद अगला भी प्रोजेक्ट आप करेंगे? करेंगे हाँ। हिम्मत आ गई है आपने? हिम्मत आ गई है। प्रोड्यूसर के बाद हिम्मत आ जाए तो नए नए कलाकारों को काम मिलना शुरू हो जाता है, अच्छी बात है भाई। क्या कहेंगे अपने आर्टिस्ट के बारे में, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? आर्टिस्ट हमारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मेहनत भी की है आज। हाँ। बहुत कड़ी धूप। मैं भी थोड़ा काला हो गया हूँ ना, क्योंकि आज बहुत कड़ी धूप में और बहुत सारे अपने लोकेशन देखने का और ये इधर भाग दौड़ दिए धूप में, बहुत सारे अपने ये मेहनत बहुत की है, वो लोग बहुत साथ दिए हम लोग को। तो आखिरकार दोस्तों सरप्राइज फिल्म ने हकीकत में ऑडिशन लिया और वहाँ से जो है कलाकारों को चुना और अपने एल्बम में यानी म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका भी दिया। आपने गाना अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उनके चैनल पर जाके वो गाना देख सकते हैं। तो दोबारा ये जो है बनारस में जो है एक म्यूजिक एल्बम करना चाहते हैं और उसका जो ऑडिशन लिंक है मैंने नीचे दे दिया है, तो आप में से कोई इच्छुक है तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं और इनके चैनल पर भी जाके उस गाने को सुन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मुझे लगता है कि जानकारी आपको मिल गई होगी, और बहुत सारे प्रोडक्शन इस तरह के अच्छे भी होते हैं जिनकी जानकारी मैं अक्सर लाते रहता हूँ। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि फिल्म लाइन में काम करने की जानकारी वाली वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार के पहले लाइक दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। I am Kanchan Dubey.
Hi guys, this is Jay Parker. Hi, this is CKV from Chennai. Hi, this is Meet. Hi, my name is Bhavan Jala. Hello friends, I'm Dheeraj Nibjaya. I'm from Chennai. I'm 18 years old. I have done Visharad in Hindustani Classical. I'm the singer of the upcoming song called Chal Pada Dil. I'm the lead actress of Chal Pada Dil. Recently, lead mein ek couple song shoot kiya hai Mumbai mein. I'm a post-production supervisor associated with Surprise Film. And I am film editor. I've been working with this music album named Chal Pada. It's a Hindi album and I'm very happy to work with this project. Currently we have done one song called Chal Pada which was shot in very beautiful place called Alibag in Maharashtra. ये गाना edit करने मुझे बहुत मजा आया क्योंकि इसमें अलग अलग location थी, बहुत अच्छा direction था. Basically I'm from Chennai and we work in Tamil, Telugu and Kannada. This is the first time working in Hindi language and it has been a wonderful experience. In Chal Pada Dil, we took a lot of efforts. Everyone in the crew were so good. We had a great quality time together. Actors बहुत मस्त थे और जिस हिसाब से song में cutting है, beat के हिसाब से उसी हिसाब से मैं edit किया हूँ तो बहुत मजा है edit करने में भी. It has been a great challenge for me working in this album because of the language barriers, but still got help from the director, cameraman and the singer sang by Dheeraj. लोकेशन भी बहुत मस्त मस्त है और फुटेज भी इतना ज्यादा था तो मुझे एडिट में भी बहुत मजा आया. सॉन्ग काफी अच्छा है, ट्रेजर भी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है. सो द सॉन्ग इज गोइंग टू रिलीज ऑन आवर YouTube चैनल ऑन 16th ऑफ जनवरी. आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी. सरप्राइज फिल्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें. प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. तो गाने को बहुत सारा प्यार दें. थैंक्स अ लॉट.